Okay, we'll see the first homework questions. These are the first homework given to you. What is the minimum force between the two? Okay, this was second, in fact. This was the first one. So, alpha particle and deuteron ke beech ka force nikalna tha. Distance 1.6. Write the formula, alpha particle ke upar charge kitna hai? 3.2 into 10 to the power minus 19 aur ispe 1.6. To dono ko सॉल्व करेंगे पुट करके वैल्यू ये 2 आ जाएगा 9 इंटू 2 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस तो दिस विल बी द आंसर तो माइनस 29 आएगा उसको एक डेसिमल शिफ्ट कर दिया रिपल्सिव फोर्स एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए व्हाट इज द मिनिमम फोर्स मिनिमम फोर्स के लिए मिनिमम चार्जेस लेने पड़ेंगे मिनिमम चार्जेस कितने होते हैं चार्ज एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 तो दोनों जगह ये पुट करके सॉल्व करेंगे विल गेट दिस आंसर दैट इज द मिनिमम पॉसिबल फोर्स इन द वैक्यूम ऑलराइट एंड दिस वाज द अदर क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था इसमें Q1 एंड Q2 वाज गिवन पुट द वैल्यू डिस्टेंस वाज आल्सो गिवन सॉल्व इट दिस मच विल कम एंड नेक्स्ट वन वाज इसमें फोर्स दिया था चार्जेस दिए थे आर निकालना था इट विल कम 0.12 मीटर दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट पार्ट में क्या था व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट बोथ अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देयरफॉर सेम 0.2 न्यूटन अट्रैक्टिव फोर्स निकाल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है Both will be applying attractive forces. All right. Okay. Some more points we'll see. What are the important points related to Coulomb's law? So, isme we'll see almost points are same as in the Newton's law of force between the two bodies of universe. So. First points are common, last two points are different. So let's see. Both charges apply equal and opposite forces on each other, irrespective of their magnitudes. ठीक है, दोनों equal and opposite force लगाएंगे, and it is valid for static charges because move होने से उसमें magnetic forces भी develop होते हैं. So therefore, they should be static. Obey the inverse square law. Inverse means 1/r, or square bhi karna hai usko. Central force hai. Central force ka matlab kya hota hai? They are acting along the line joining. Line join kar do. Either both will be outward, or both will be inward. Along the line act karte, to uske central force bolte hain. Conservative forces hai. Conservative forces ka matlab kya hai? इनकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस दे आर आल्सो कंजर्वेटिव एंड दीज फोर्सेस डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस चार्जेस के बीच का मीडियम चेंज करेंगे दे विल चेंज बट ग्रेविटेशनल फोर्सेस डजंट चेंज एंड कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बोथ दोनों टाइप के हो सकते हैं बट ग्रेविटेशन फोर्सेज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव दीज टू पॉइंट्स आर डिफरेंट मीडियम पे इसलिए भी डिपेंड करते हैं बिकॉज मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे गेट पोलराइज एंड दे आल्सो स्टार्ट producing the forces in opposite direction hai na to generally medium mein kam ho jate hai ya zero hi ho jate opposite forces develop hote hai usme because of polarization or induced charges electrical forces getting affected to ye question dekhenge dekho क्वेश्चन ये है व्हाट इज द
nature of force between the two charges if product of charges is greater than zero. तो attractive होगा कि repulsive होगा. Product Q1 Q2 greater than zero means either both are positive or both are negative. So like charges will repel, so repulsive. फाइन, अगर उनका प्रोडक्ट लेस देन जीरो है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा दोनों के बीच में. ऑलराइट, नाउ दिस क्वेश्चन यू कैन ट्राई एट होम, क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी बुक. ठीक है, टू कॉपर स्पीयर्स हैं ए एंड बी, उनके बीच का डिस्टेंस दिया है एंड व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ चार्जेस आर ऑन ईच आर गिवन दिस मच. तो निकाल सकते हो, यू पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट. सेकंड पार्ट इज आल्सो देयर, तो ट्राई करो. ये डायरेक्ट अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड बेस्ड ऑन दैट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, क्वेश्चन नंबर 13 से पहले लेट अस सी व्हाट इज द पॉइंट्स वी आर यूजिंग इट हियर. देखो, इफ टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स है, ये आइडेंटिकल कंडक्टर्स है स्फेरिकल, आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट देन चार्ज ऑन ईच बॉल. इनिशियली क्यू वन क्यू टू है तो उनको ऐड कर दो, क्यू वन प्लस क्यू टू और हाफ कर दो, तो टोटल का आधा इसके पास चला जाएगा, आधा इसके पास. तो चार्ज ऑन ईच बॉल will be q which is half of the total. For example, पहले वाले के पास 6 था, दूसरे के पास माइनस था, दोनों ऐड कर दिए, 6 माइनस 2 4 हो गया, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो 2 आ गया, दोनों के ऊपर 2 2, इसके ऊपर भी 2, इसके ऊपर भी 2, दोनों के ऊपर पॉजिटिव 2. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, पहले कितना था, दोनों मिला के 6 माइनस 2 4 था, बाद में भी 2 प्लस 2 2 आ गया, बाद में भी 4 है, पहले भी 4 था बाद में भी 4 है. कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस वी कॉल इट. तो बेस्ड ऑन दैट यू ट्राई द क्वेश्चन नंबर 4 एंड आल्सो क्वेश्चन नंबर 13. में क्या है, जो थर्ड वन है सी, ये ए है ये बी है, इसको जब इससे टच अनचार्ज है, इससे टच करेंगे तो टोटल चार्ज क्यू प्लस जीरो बाई टू, क्यू बाई टू दोनों पे. फिर इसको यहाँ पे टच किया, अभी इसके पास क्यू बाई टू है, टोटल चार्ज क्यू प्लस क्यू बाई टू, टोटल का आधा आधा, तो थ्री क्यू बाई फोर, तो इसके ऊपर थ्री क्यू बाई फोर हो जाएगा, इसके ऊपर ए के ऊपर क्यू बाई टू, बी के ऊपर इतना. तो अभी पहले जितना फोर्स 12th क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे, उस फोर्स का जब चार्ज यहाँ पे 1 बाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू, तो ये चार्ज 1 बाई टू टाइम्स हो गया, ये वाला चार्ज 3 बाई फोर टाइम्स हो गया, तो फाइनल फोर्स विल बी इनिशियल फोर्स का 3 बाई एट टाइम्स. तो पहले वाले में इनिशियल फोर्स निकाल लो कितना आ रहा है, और फाइनल क्वेश्चन नंबर 13 में उस फोर्स का 3 बाई एट टाइम्स हो जाएगा. Try to do it. We'll discuss in the next class. Now we are going to see the permittivity of medium. Relative permittivity. Permittivity of medium already we have defined. Let us revise it. Permittivity of medium is, it is the electrical property of medium which controls the electrical forces between the charges. परमिटिविटी या मीडियम क्या है, कि वो दो चार्जेस के बीच का फोर्स डिसाइड करेगा. 815. इट इज मोर, इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एज कंपेयर टू वैक्यूम. ठीक है, तो वैक्यूम की परमिटिविटी, वैक्यूम में सबसे ज्यादा फोर्स होता है. तो दूसरा मीडियम है, सपोज नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. कोई मीडियम है, उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है,
है ना, रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन करनी है। जैसे हमने रिलेटिव डेंसिटी निकाली थी फ्लूइड के चैप्टर में वाटर से रिलेट करके, यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से रिलेट करेंगे। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम के साथ उसका जो रेशियो आएगा उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई ये टर्म इधर आ जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज नथिंग बट इट्स रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है अगर हमें पता है वैक्यूम के साथ मल्टीप्लाई करो तो उस मीडियम की परमिटिविटी मिल जाती है हमें, है ना। ये सिंपली डिजिट होती है, इसकी वैल्यू देखते कितनी। ये तो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज, तो रिलेटिव परमिटिविटी इज विल नॉट हैव डायमेंशंस एंड यूनिट एंड इट्स वैल्यू। रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन वन आर इक्वल टू वन। वन किसकी होगी? वैक्यूम की, बाकी सभी मीडियम की मोर ग्रेटर देन वन होगी। एयर की स्लाइटली मोर है 1.00045, इट इज वेरी क्लोज टू वन ओनली। तो वैक्यूम की भी वन लेते हैं एंड एयर की भी, वैक्यूम की तो वन है एयर की भी वन लेते हैं। वाटर इज हैविंग द परमिटिविटी 81 रिलेटिव परमिटिविटी, न्यूमेरिकल्स में वी कैन टेक इट, न्यूमेरिकल्स में इट इज गिवन 80 बट इट इज क्लोज टू 81। मेटल इट इज इन्फिनिटिव, इनफैक्ट मेटल और मेटल्स आर नॉट डायलेक्ट्रिक। डायलेक्ट्रिक बोलते किसको है? दे आर द डायलेक्ट्रिक्स आर वॉट, दे आर द इंसुलेटर्स। तो मेटल इज नॉट द इंसुलेटर, इट इज देयर फॉर इट्स की एबनॉर्मल वैल्यू अनयूजुअल वैल्यू आती है इन्फिनिटिव। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेम्बर। नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फार्मूला ये लर्न कर लो और ये लर्न कर लो। फाइंड द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इफ इट्स डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 10। मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये 10 दी है, दोनों नाम होते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, और वैक्यूम की परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10^-11 यूनिट क्या आएगा? कूलम स्क्वायर पर मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड फाइंड द परमिटिविटी ऑफ वाटर, टेक इट्स रिलेटिव परमिटिविटी 80। अगेन सेम फार्मूला, एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इट 80 गिव, इट इज 80 गिवन, दिस यू हैव टू कांस्टेंट विल बी गिवन, समटाइम्स मे नॉट बी गिवन, इट बेटर यू रिमेंबर 8.854 मल्टीप्लाई कर दिया इतना आ जाएगा, यूनिट भी लिखनी पड़ेगी इसकी। नाउ विल सी हाउ द फोर्स विल चेंज इन द अदर मीडियम। अदर मीडियम में फोर्स, अब ये टर्म चेंज हो जाता है ना, ये वैक्यूम में इतना है, दूसरे मीडियम में एप्सिलॉन, बट एप्सिलॉन इज नथिंग बट एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैक्यूम में इक्वेशन लिख ली दैट इज वन, दूसरे मीडियम में उसकी परमिटिविटी आ जाएगी एंड परमिटिविटी इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, ये पुट कर दिए यहाँ पर तो इक्वेशन टू आ गई। तो यू नो एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन वन, अदर मीडियम का वैक्यूम का वन है, तो दिस इज इंक्रीजिंग फोर्स विल बी डिक्रीजिंग। तो फोर्स इन अदर मीडियम ऑलवेज डिक्रीजेस एज कंपेयर टू वैक्यूम। डिवाइड कर दो वन को टू से, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन आर बचेगा वन अपॉन, तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में एप्सिलॉन आर। तो रिलेटिव परमिटिविटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द फोर्सेज, फोर्सेज बिटवीन द टू चार्जेज इन वैक्यूम एंड फोर्सेज बिटवीन द सेम चार्जेस इन मीडियम एट सेम डिस्टेंस, इससे भी डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। NaCl सॉल्ट को जब हम
वाटर में डालते हैं तो उन Na एंड Cl आयंस के बीच का फोर्स 1/80 टाइम्स या 1/81 टाइम्स हो जाएगा फोर्स, तो मतलब बहुत वीक हो गया, तो NaCl डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, दोनों आयंस के बीच में फोर्स 1/81 टाइम्स आ गया एज कंपेयर टू वैक्यूम, तो दे विल बी इजिली डिजॉल्व इनटू द वाटर। ऑल राइट, देखो एक क्वेश्चन ये है कि व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, वैक्यूम में 10 सेंटीमीटर पर है और बाद में लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव परमिटिविटी इतने में डाल दिया, तो न्यू डिस्टेंस कितनी हो कि फोर्स सेम हो जाए, तो सेम डिस्टेंस पे फोर्स तो डिक्रीज हो जाएगा, अभी चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम करना पड़ेगा सेम फोर्स के लिए, है ना, लाने के लिए, तो लेट आर डैश इज द न्यू डिस्टेंस एंड क्या दिया है, फोर्सेस रिमेनिंग सेम व्हेन यू पुट द चार्जेस इन द अदर मीडियम, तो डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, इनिशियल फोर्स इज इक्वल टू फाइनल फोर्स, तो वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट आएगा, इसमें एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट आएगा, अदर थिंग्स विल गेट कैंसल्ड, आर डैश बचेगा, आर बचेगा, एप्सिलॉन आर ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रिलेशन, तो फाइनल न्यू डिस्टेंस शुड बी इनिशियल डिस्टेंस का डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये कितनी दी है 100 रूट के अंदर 100, तो ये 10/10 तो 1 मीटर, ठीक है, तो डिस्टेंस अगर 1 मीटर कर दी तो फिर से फोर्स सेम हो जाएगा, अदरवाइज फोर्स विल बी रिड्यूस्ड, इससे और कम कर दी तो बढ़ जाएगा, नाउ वी हैव टू लर्न द कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में सीखने के लिए हमें पोजिशन वेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए, पोजिशन वेक्टर्स जो है चार्जेस के पोजिशन वेक्टर, किसी पॉइंट के पोजिशन वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, सपोज चार्ज यहाँ पर है Q1, इसका पोजिशन वेक्टर R1 हो जाएगा, दूसरा चार्ज Q2 यहाँ पर है, इसका पोजिशन वेक्टर R2 हो जाएगा, बट वी नीड दिस डिस्टेंस जिसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना बोल के वी विल कॉल इट पोजिशन वेक्टर, ये R21 मतलब पोजिशन ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1, तो अगर हम ट्राइंगल लॉ फॉलो करें, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, ठीक है, तो इसको OAB OA इज इक्वल टू OA प्लस AB इज इक्वल टू OB ट्राइंगल लॉ, दिस विल बी A, दिस विल बी वेक्टर B, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू वेक्टर R, दिस इज R1, ये R21 है, ये R2 है, तो R21 इज ऑलवेज R2 अपॉन R2 माइनस R1, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1, इसका जो वेक्टर है दैट विल बी द पोजिशन, दैट विल बी पोजिशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दोनों का जो डिफरेंस है ये आपस में उनका वेक्टर देगा, ये वेक्टर हमें चाहिए एक्चुअली फोर्स लिखने के लिए इसके ऊपर, तो रिवाइज दिस थिंग्स इन नेक्स्ट क्लास, टुमारो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वी कैन सी टुमारो, ऑलराइट, टुडे वी हैव सीन, लेट्स सी व्हाट वी हैव सीन टुडे सो फार, वी हैव सीन द
property of forces, Coulomb's forces. These are the properties of Coulomb forces. Ovid's inverse square law, central force, and depends upon the medium and always can be attractive or repulsive, and it is valid for the static forces and all. Homework we have seen yesterday, new homework I have given you. This one and this one, okay. Checkpoint number 4. And based on this question, I have given you the hint, 13th. And then permittivity of medium we have defined. And permittivity of medium, we have already defined relative permittivity of medium. So we relate the permittivity of medium with permittivity of vacuum. Usko relative permittivity bolte hain. Dusra naam kya hai iska? Dielectric constant, denoted by these symbols. Ratio of both. Okay. And we have done two numericals. Then forces between the charges in other medium will decrease by the factor this relative permittivity of that medium. Then numericals we have done in vector form. Tomorrow we are going to see, and so on. All right, that's all.